Hi guys, this is me Austin, and today I'm going to tell you about the top 5 rooted apps. क्या क्या है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा लाल अक्षरों में सब्सक्राइब करने का ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट दे और हमारी इस छोटी सी फैमिली पे आप भी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। सो आज मैं आपको बोलूँगा कि टॉप 5 बेसिक ऐप्स, मतलब कि जिसके बिना आपका रूटेड मोबाइल अधूरा होगा। सो टॉप 5 तो नहीं कह सकते, बिकॉज इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स होंगे। फिर भी ये जो ऐप्स मैं आपको बोलूँगा आज या फिर दिखाऊँगा मैं आज, सो ये जो ऐप्स होंगे, मतलब कि इनके बिना आपका रूटेड मोबाइल अधूरा है। सो प्लीज़ आप ये वीडियो देखते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो ले आते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ हमें एक थोड़ा छोटा सा चांस दीजिएगा, बस यही चाहते हो। सो बिना कुछ टाइम गवाए चलिए प्रस्थान कर। हाय गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड रूट जो यूज़र्स है उसके लिए टॉप 5 जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या ऐप्स है। सो दोस्तों, बिना कुछ टाइम गवाए चलिए प्रस्थान करते हैं। सो दोस्तों, ये रहा मेरा होम स्क्रीन। सो अभी मैं जाऊंगा इस फोल्डर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप 5 रूट ऐप यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। सो दोस्तों, सबसे पहले आता है, इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, सबसे पहले है चैमल फोन। ये वाला ऐप करता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी आपका आई में ख़राब हो गया है या फिर कुछ हो गया है, तो आप इससे इजीली अपना आई में ठीक करवा सकते हैं या फिर आई में चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स है प्ले स्टोर में, वहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपना आई में ठीक कर सकते हैं या फिर आई में चेंज कर सकते हैं। सो यही है इस ऐप का फीचर। और दूसरा है एक्सपोस्ट इंस्टॉलर, इसकी तो क्या कहे दोस्तों, सबसे अच्छा ऐप है यही है रूट ऐप के लिए, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। सो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसका फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है। सो उसका अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐप बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे अगर आपने अगर एक्सपोस इंस्टॉल किया है तो समझिए कि आप अपने फ़ोन के पूरा एक्सेस आपके हाथ में। सो उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आप उन मॉड्यूल्स को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा आपको पसंद है, कौन सा इफेक्ट डालना है, ये सब बस उसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, और एक्सपोस का जो है उसमें एक्सेस वो प्ले कर दीजिए, बाकी ख़त्म। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत स्लो लोडिंग हो रहा है इसलिए। सो आपको बस एक बात ध्यान से रखना है कि एक्सपोज जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज इससे आपका फ़ोन का जो रोम है या फिर सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत असर पड़ सकता है, बूट लूप पे अटक सकता है, अगर आपको पता नहीं कि बूट लूप क्या होता है या फिर बूट लूप से कैसे निकलना है। सो प्लीज़ आप एक्सपोस इंस्टॉल मत कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए कुछ भी हो सकता है। सो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, एक्सपोस बाद में बोलेंगे। और दूसरा है टाइटेनियम बैकअप। इस टाइटेनियम बैकअप के एक बस यही खास बात है कि इससे आप कोई भी ऐप जो है उसे आप बैकअप कर सकते हैं, बैकअप करके उसे आप बाद में रिस्टोर कर सकते हैं, यही है इसकी बहुत खासियत इसकी। सो आप इजीली यहाँ पे जाके अगर आप चाहे तो बस ऐप्स को अगर बैकअप करना है तो यहाँ पे बैकअप ऑल यूज़र ऐप्स पे सिलेक्ट करके आप उसे बैकअप कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि उसका ऐप और जो डेटा है सिस्टम का डेटा है वो भी मतलब कि बैकअप करना चाहते हो, आप इसे सिलेक्ट करके या फिर रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो जो ऐप आपको सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मेरी तरह अभी ऐसे सिलेक्ट करके आपको ये जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है यहाँ पे आपको
यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो जितने भी एप्लीकेशन आपने बैकअप किया है वो सब बैकअप हो जाएगा। और फ्यूचर में अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर रोम चेंज करते हैं सो बस आपको कुछ ये करना है कि आपको टाइटेनियम बैकअप इंस्टॉल करना है और नीचे जाके रिस्टोर में क्लिक करना है, रिस्टोर में रन पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फिर से वही ग्रीन ग्रीन साइन जो ग्रीन टिक है उसको क्लिक करना है और आप का फ़ोन जो जैसा कि पहले था, फ़ोन का रोम चेंज करने के टाइम चेंज करने के पहले जैसा फ़ोन था आपका, जितने भी एप्स थे वो फिर से बैक हो जाएंगे। इससे बस आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको फिर से इंस्टॉल सेटिंग्स वगैरह करने की जमेरा जो होता है वो उससे आप मुक्ति पा सकते हो इस ऐप से। और तीसरा जो ऐप है वो तो भाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है, WPS टेस्टर। इससे आप मतलब कोई भी जो वाईफाई है उसे आप इजीली हैक कर सकते हो। ये ऐप सबके पास रहना ज़रूरी है बहुत ही। या फिर एक और एप्लीकेशन है एंड्रॉइड डम्पर, ये भी सेम काम करता है, ये भी वाईफाई को हैक करता है और आपको आपका पासवर्ड सामने आ ही जाएगा इसका। एंड्रॉइड डम्पर बहुत ही इजी टू यूज़ है, मैं आपको ये मैं आपको इन दोनों का जो वीडियो है WPS टेस्टर और एंड्रॉइड डम्पर का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा। सो अभी बस ये दोनों एप्लीकेशन से आपको बस ये पता करना है कि इससे आपको वाईफाई इजीली हैक कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे अच्छा चीज़ है, सबसे अच्छा ऐप है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने रूट फ़ोन के साथ, वो है रूट ब्राउज़र। और रूट ब्राउज़र में सबसे अच्छा रूट ब्राउज़र है ये एस फाइल एक्सप्लोरर। हाँ दोस्तों, इस ऐप के बिना आप मतलब कि आपका रूट अधूरा है वही कह सकते हैं। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और मतलब कि रूट के जितने भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अभी एक एक्सेल फाइल या फिर कुछ कुछ छोटे छोटे फाइल जो होते हैं उसे आपको मूव करना है, कट करना होता है रूट फोल्डर में, फोल्डर आपका जो सिस्टम का फोल्डर है उसमें आपको कट करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। सो एक नॉर्मल फाइल ब्राउज़र ये सब नहीं कर सकता, उसके लिए आपको चाहिए रूट ब्राउज़र। सो रूट ब्राउज़र जो है जो होता है वो आपका फ़ोन के जो सिस्टम का जो फाइल्स है उसके अंदर एक्सेस करता है। सो इस लिहाज से ये वाला ES फाइल एक्सप्लोरर सबसे बेस्ट है। सो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा सिस्टम का जो जितने भी फोल्डर्स है वो कहाँ पे है। सो सबसे पहले तो मुझे इस 3 लाइन पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। मुझे जाना है डिवाइस, मुझे डिवाइस पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने जितने सारे जो ऐप है ये सब मेरे सिस्टम ऐप है। मतलब इससे मैं कहीं पे भी कुछ छेड़छाड़ी करूँगा तो मेरे सिस्टम रुक जाएगा। यही है, ये जितने हैं ऐप मेरे सिस्टम ऐप है, शायद आपके वहाँ पे कुछ अलग होंगे पर मेरे यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। सो यही है दोस्तों, यहाँ पे जाके सिस्टम पे जाके कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, यही है। और दोस्तों पुराना मानिएगा, बहुत टाइम जा रहा है इसलिए मैं आपको अभी ये जो वाईफाई जैसे हैक करते हैं इन दोनों ऐप्स के बारे में बता नहीं पाया। सो इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 ये वीडियो लाइक कीजिए और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए। तब तक प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching, subscribe and like and share. Thank you again.